हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका एंड आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको अपनी लाइब्रेरी। सो दिस इज़ ऑफिस। ये लाइब्रेरी का ऑफिस है, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं रिगार्डिंग आप क्या टाइमिंग लेना चाहते हैं, कौन सा स्लॉट लेना चाहते हैं। तो दिस इज़ द मेन गेट फॉर लाइब्रेरी एंड मैं इस गेट से अंदर जाऊँगी एंड मैं आपको दिखाऊँगी कि अंदर का क्या व्यू है लाइब्रेरी का। सो यू कैन सी दिस अ वेरी ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, बहुत ही ज़्यादा पीस, बहुत ही ज़्यादा काम है एंड यहाँ पे देखिए इतनी बहुत ज़्यादा स्पेसियस भी है एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। एंड देखिए आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बहुत ही फुली डेडिकेटेड हैं। एंड मैं इससे पहले आपको पूरी लाइब्रेरी दिखाऊँ, मैं दिखाती हूँ अपना चेयर एंड टेबल एंड जो सीट मुझे अलॉटेड है। सो दिस इज़ माई चेयर टेबल, तो ये मेरा है, मेरा डेस्क है एंड यहाँ ये मेरा बैग है एंड दिस इज़ माई बुक। तो आज मैंने क्या पढ़ाई की वो अभी बुक्स निकली हुई हैं। तो आज मैंने किया था एस सी एम पी में मैंने डिसीज़न प्राइजिंग डिसीज़न किया था। तो अभी क्वेश्चन बैंक बाहर ही है, तो दिस इज़ रिजर्व्ड, ये टेबल जो है रिजर्व्ड है एंड सीट नंबर 81। सो सीट नंबर 81 रिजर्व की है मैंने। तो दिस इज़ लाइट एंड ये येलो लाइट है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से बुक के आपके बुक्स जहाँ पे हैं अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ लाइटिंग कहाँ प्रॉपर आ रही है नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत लाइटिंग से फोकस बनता है। सो दिस इज़ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी में देखिए आप लाइटिंग देखिए लाइब्रेरी की। सो दिस लाइब्रेरी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पर जैसे आप एंटर करोगे ना तो आपको बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एंटर करते हो तो आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, तो पढ़ने का अच्छा मन करता है, वो माहौल मिलता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस होता है एंड कोई भी बच्चा बोलता नहीं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, सब अपने अपने चेयर टेबल पे पढ़ाई करते हैं अच्छे से। एंड मैं पहले आपको दिखा दूँ टाइम क्या हो रहा है अभी। तो अभी बच रहे हैं 6 एंड मेरा टाइम ओवर हो गया है, मुझे बस निकलना है यहाँ से। तो मैंने सोचा जस्ट एक वीडियो शूट कर लेते हैं एंड आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस लाइब्रेरी में हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइब्रेरी है, इसके पहले भी मैंने डिजिटल लाइब्रेरी को ज्वाइन किया था बट इतना ब्यूटीफुल लाइब्रेरी कुछ भी नहीं था। तो वो लाइब्रेरीज जो थी वो भी अच्छी थी बट ये यहाँ पे जो इंटीरियर इन्होंने कराया है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। सो एक अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब्स आती है, गुड इंटीरियर रहता है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा लगता है देखने में। तो जब भी हमारा मतलब होता है ना कि लाइटिंग जब वो बुक से फोकस करता है एंड सर अगर इधर घुमाते हैं तो थोड़ा सा देख के अच्छा लगता है कि वाओ कितनी अच्छी जगह बैठे हैं। एंड आप क्लीनिंग देख सकते हैं, फर्श वगैरह बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, तो साफ़ सफ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर वाईफाई है, आर ओ लगा हुआ है एंड बहुत ही काम एंड पीस है, ठीक है। और फैन वगैरह एसी चलती रहती है, हाँ जब तक हम लाइब्रेरी में रहते हैं एसी चलती रहती है, माहौल भी काफ़ी अच्छा रहता है। एंड सीट रिज़र्व करने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि लाइक जब कभी ओवर क्राउड हो जाए तो आपकी सीट आपके लिए रिज़र्व है, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है बट ये है कि एग्ज़ाम्स को सिर्फ 2 महीने ही हैं, तो हम सिर्फ साइड में सीट जो है वो रिज़र्व कर लेते हैं, वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इस सीट ये सीट अलॉटेड है मुझे, तो अब इस सीट पे सिर्फ मैं बैठूंगी एंड आप देख रहे हैं कि एसी चल रही है क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, फ़ैन भी चल रहा है एंड एसी मेरे टेबल के जस्ट ऊपर लगी हुई है, तो मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कूलिंग रहती है। तो मेरा तो यही चेयर टेबल है एंड मैं दिखाती हूँ लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कामली पढ़ाई कर रहे हैं और दिस इज़ द लाइब्रेरी। एंड इस लाइब्रेरी में काफ़ी स्टूडेंट है और बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, ऐसा नहीं है कंजस्टेड नहीं बना हुआ है। तो अब हम बाहर की ओर चलते हैं, तो हम लाइब्रेरी से बाहर निकल गए हैं एंड दिस इज़ द वे हम बाहर जाते हैं एंड बस अभी यहाँ से गेट मिल जाएगा एंड गेट से हम बाहर निकल जाएंगे एंड देन हमें सड़क मिल जाएगी। तो ये मेन रोड पे लाइब्रेरी नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, मतलब अंदर की रोड पे है तो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं होती है, ठीक है, ओके बस गाड़ियाँ आती जाती हैं। सो ये दिस इज़ द पार्किंग एरिया जहाँ पर सबकी स्कूटी बाइक जो जिससे आते हैं वहाँ पर वो लगा हुआ है। सो आप देख सकते हैं सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इसकी वजह से भी अंदर बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं आता, शांति रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।